तो आज हम आपको करके दिखाएंगे अनबॉक्सिंग ऑफ ए फ्रिज। साथ में है हमारे साथ ये करोना मरीज के साथ हमारा ये फ्रिज फ्री में मिल चुका है। तो जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया, एक्चुअली पार्ट ऑफ जोक्स, फ्लिपकार्ट से मंगाया 12,520 रुपये मिला है, क्योंकि उस टाइम प्रीपेड ऑफर में 500 रुपये का डिस्काउंट कार्ड चल रहा था। कोई भी कार्ड से अगर पेमेंट करोगे, 192 लीटर का ये फ्रिज है और साथ में आपको 3 स्टार मिलने वाला है, ज़्यादा नहीं, 2020 का 3 स्टार है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी फिलहाल 15,000 के करीब रेट हो चुका है, क्योंकि मैंने इस डील को टेलीग्राम में डाला था। शायद आप लोगों ने बहुत सारा यूजर को लिया होगा, और अगर किसी ने लिया नहीं होगा तो आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो, ताकि आपको मैं बहुत सारा कम रेट में प्रोडक्ट दे सकता हूँ। चलिए इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। ये पेपर कल ही मेरे को रिसीव हो चुका है, हमने इसको कैंची से काट कर रहा हूँ, काट करने के लिए इसको सोच रहा हूँ, बट ये कट नहीं हो रहा, बहुत टफ है। ये सैमसंग का 192 लीटर है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्रिज है, ये फ्रिज आपको बहुत सस्ते में मिल गया, मेरे को डिलीवरी भी बहुत जल्दी कर दिया गया। तो अभी फ़िलहाल इसको हम आपका अनबॉक्सिंग कर ही लेते हैं आपके सामने, एक एक करके खोल खोल के, पार्ट पार्ट के। लाइट की थोड़ी कमी है, आप इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, कि काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट है, इसको हमने अपना रूम पे ले जाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए उतना समय नहीं मिला, स्पेस भी नहीं मिला था। तो इसको हम पहले खोल लेता हूँ, पता नहीं कैसे खोलते, इसको ऐसे ऊपर कर लेता है। तो कर लिया, दोनों आदमी का हेल्प कर रहा है मेरे को, राकेश मेरा भाई। तो अभी ये पूरा ही अनबॉक्स नंगा कर दिया तुमने इसको, बहुत मस्त तरीके से इसको निकाल रहा हो, फिर भी इसको हमको घर ले जाना है अनबॉक्सिंग करने के लिए। इसको हमने इस तरह लगाया था, ज़्यादा नहीं खोल रहा हूँ, इतना तक हमने खोल लिया। आप देख पा रहे हो, ये है 3 स्टार पावर गाइड है 7 से, और इसमें आपको एनुअल 162 यूनिट पर कंजम्पशन आपको मिल जाएगा। ये डेट ऑफ अवेलेबल पीरियड 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021। इसमें आपको चीज़ बता दूँ कि जो डेट लेवल अभी रेटिंग स्टार 3 स्टार है, 2019 में वो 5 स्टार के बराबर था, 2020 का 3 स्टार मतलब 2019 का 5 स्टार, मतलब आपको सबसे महंगा वाला जो रेटिंग है वो अभी 2020 में मिल जाएगा। मतलब आपको इसमें टेंशन लेने का जैसे, आपको ज़्यादा एनर्जी सेविंग इसमें मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 162 यूनिट पर ईयर कंजम्पशन होगा, और साथ में आपको 10 ईयर वारंटी मिल रहा है डिजिटल इन्वर्टर के साथ, और आपको साथ में एक इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड इन्वर्टर यूज कर सकते हो। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, आपको बिना स्टेबलाइजर पर ऑपरेशन कर सकते हो, बट इसमें एक चीज़ बता दूं कि बिना स्टेबलाइजर पर तो आप ऑपरेशन कर सकते हो, अगर गांव में हो या कई जगह पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन होता है, तब आप स्टेबलाइजर का यूज करना आपके लिए अच्छा रहेगा। देख सकते हो कि ये फ्रिज जो आपको देखने को दिख रहा है, इसमें लग रहा है कि आपको एक मिडिल में कटा हुआ है, बट ये कट नहीं है, बट ऐसा डिजाइन है ऐसा कि डबल डोर के जैसा। तो अभी हम आपको दिखा रहा हूँ कि फ्रिज का ऊपर एकदम बिल्कुल मैट फिनिश दे चुका है, फ्रंट साइड और बैक साइड। आपको मैं बैक साइड दिखाना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, एक बैक साइड दिखा दूंगा। तो आपको नॉर्मल जो फ्रिज होता है बाकी फ्रिज में से, ये काफ़ी अच्छा हद तक आपको दे चुका है। जैसे ये जो पहले जाल टाइप रहता था, नेट टाइप रहता था, ये नेट टाइप नहीं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट दे चुका है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। और इसके साथ आपको जितना भी केबल वगैरह सब सही से पार्ट कर दिया, एकदम परफेक्ट आपको इसमें कॉम्पैक्टिविटी, और ये आपका जो रिलायबिलिटी जो है, रिजिडिटी बहुत अच्छा है। पीछे केबल दे चुका है, और आपका कंप्रेसर पीछे है, और ये आपका वाटर चेंबर है। तो पीछे की तरह आपको जो नेट मिलता था, अभी नेट नहीं है, एकदम बिल्कुल एक एल्यूमिनियम का कॉम्पैक्ट डिजाइन दे चुका है। अरे राइट साइड लेफ्ट साइड में आपको एक ही देखने को मिल जाता है। तो अभी हम इसको चालू भी करेंगे और खोल के आपको दिखाएंगे कि कैसा ये इसका नज़ारा। तो सिंपल से इसको हमने खोल लिया, आप देख पा रहे हो अंदर में देखने में काफ़ी क्लासिक लुक है, सब में एक एक करके पट्टी डाल के रख दिया फ्रिज में, एकदम बिल्कुल नया क्लासिक लुक है। और ये चेंबर आप देख पा रहे हो, ये आपको ग्लास का दे चुका है, फाइबर नहीं ग्लास टाइप फाइबर है, और सब ग्लास का दे चुका है, जो आपको 4 चेंबर देखने को मिल जाएगी, 1, 2, 3 और नीचे एक 4, जिसमें आप फ्रूट वगैरह रख सकते हो। तो ये नीचे आप फ्रूट वगैरह रखने के लिए, आपका कुछ भी सामान रखने के लिए रख सकते हो। और इसमें आपको जो LED लैंप जो है इधर दे चुका है, आपको फ्रिज ऑन एंड ऑफ करने के लिए रहता है, और इसमें पावर गाइड है, पावर गाइड आप टेम्परेचर कितना में रख सकते हो, ऑन करना है ऑफ करना है, टेम्परेचर कंट्रोल दे चुका है। तो ये सैमसंग का काफ़ी क्लासिक लुक है, और इसमें आपको पता है आपको एग्स वगैरह रखने के लिए है, मिल्क के लिए, और नॉर्मल जो प्रोडक्ट रखने के लिए जनरल फ्रिज है। तो ये 192 लीटर से एकदम एक नॉर्मल फैमिली के लिए, आप अगर 6, 7, 8 मेंबर्स हो, 10 मेंबर हो, तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो सिर्फ आप मेरे को 12,520 रुपये मिल चुका है।
क्योंकि मैंने इसको लाइट ऑन कर दी, जो जैसे लाइट आपको जलने वाली थी लाइट इधर चालू हो चुका है, और इसको जब ऑन करूँगा तो ऑटोमेटिक लाइट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि नीचे इसका थर्मोकॉल है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जैसे देख रहे हो कि हमने लाइट ऑफ कर दिया, ये देखने में ऐसा है। तो अभी हम फ्रिज को आधा घंटा ऐसे एक पानी का बॉटल रख के देखेंगे कितना ठंड हो सकता है और कितना गर्म, ये इसका लेफ्ट साइड में जो हीटिंग और हीटिंग टाइप साइड है उसमें कितना गर्म हो सकता है। उसके बाद आधा घंटा बाद मिलते हैं। और ये मेरा लूप क्लासिंग सबके सबसे काफ़ी बढ़िया फ्रिज है, आप इसके ऊपर बिल्कुल जा सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं लग रहा है एकदम, बिल्कुल लुक में भी और इसका बाकी चीज़ों में भी काफ़ी अच्छा लगा। जो इसका बॉडी है या जो भी चीज़ इसका जिसे बनाया है, इसका बॉडी है जैसे बना है, ये काफ़ी क्लासिक लुक के तरफ से, और आपको इसमें एकदम परफेक्ट रिजिडिटी मिल जाएगा, एक कंफर्टेबिलिटी मिल जाएगा ताकि आपको कोई भी टूटने का, या क्योंकि इसका साइड में जो चीज़ दिया है ये है आपका मैट फिनिश दे चुका है। मैट फिनिश में आपको स्क्रैच का दर्द बहुत कम रहता है, और सामने में आपको एकदम बिल्कुल क्लासिक लुक आप देख पा रहे हो, कितना अच्छा देखने को लग रहा है। तो ये था, हम आधा घंटे बाद आपसे मिलते हैं। बाद फाइनली हमने फ्रिज चालू करके 15 मिनट तक रखा, 15 मिनट के बाद हम एक ही बॉटल इवन डीप फ्रिज में भी नहीं रखा, तो हमने इसको सिंपल सा नॉर्मल जो चेम्बर है इस पर रख दिया था। अब इसको निकल रहा हूँ, तो अरे निकल जा, खुल जा सिम, हाँ खुल गया। तो देख रहे हो हम इस पर भी नहीं रखा, हमने इस बॉटल को रखा था, और आप देख रहे हो इससे अभी गिरने लग गया, इतनी ठंड कर दिया 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर ही। तो ठंड के वजह से ये साइड से निकल भी रहा है, आप देख पा रहे हो पानी गिर रहा है। तो ये था नॉर्मल रिव्यू, काफ़ी अच्छा हद तक इसमें काम कर रहा है। इसमें चार क्वालिटी देखिएगा, समर में है तो एक या दो में आप रख सकते हो, या मानसून में है तो चार में रख सकते हो, और सर्दी में है तो गर्मी में है तो सर्दी ठंड करने के लिए 5 या 6 के इस्तेमाल कर सकते हो। तो नॉर्मल यूजर के लिए काफ़ी अच्छा है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी ये अपना रिव्यू था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। समझ सकते हो कि लाइट का कमी थी, आपको बता दूँ इस टाइप का लूट ऑफर बहुत आते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में, आप चाहे तो टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो टेलीग्राम में जाकर ब्राइट इफेक्ट सर्च कर सकते हो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर सकते, आपको दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट ब्राइट इफेक्ट ऑलवेज, सीयस।